नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक साइंस होगा। काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा हेल्थ का इशू हो गया था जिसके चलते मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब जितने भी वीडियो आप बनेंगे, रेगुलर वीडियो बनेंगे, हमारे वीडियो आते रहेंगे रेगुलर वे में। तो ऐसे शुरू कर रहे हैं वीडियो को काफ़ी लंबे समय बाद से, ठीक है। तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने, और पूरा वीडियो देखिएगा, पक्का आपको इसे फ़ायदा मिलेगा। अभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अभी हाँ सचमुच में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर, मानव में पाचन क्रियाएं। तो मानव में पाचन क्रियाएं में हमको पढ़ना क्या है, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो मानव पाचन क्रियाएं हो रही हैं बॉडी में, जो हमारा पाचन पूरा तंत्र है, वो तो पाचन तंत्र में किस किस हिस्से में किस किस चीज़ का पाचन होता है और किसके माध्यम से पाचन हो रहा है और उस माध्यम का नाम क्या है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मीडियम क्या है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पाचन का हिस्सा मुख है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पाचन ग्रास नली है, ग्रास नली में भी पाचन होता है, फिर आमाशय में भी पाचन होता है, ग्रहणी में भी पाचन होता है, फिर उसके बाद शुद्रांत यानी छोटी आंत में, फिर उसके बाद सीकम में पाचन की बात करेंगे, हालांकि सीकम में पाचन होता नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। और उसके बाद बड़ी आंत में पाचन की क्रिया पढ़ेंगे और देखेंगे किन किन चीज़ों का पाचन हो रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ये भी देखेंगे यहाँ पर। भविष्य में जो भी आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी टॉपिक हम लोग बनाते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मुख में पाचन, मुख में पाचन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण तीन एंजाइमों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जितने भी हम पदार्थों की चर्चा करेंगे जो पाचन क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी के सभी एंजाइम हैं, ठीक है। एंजाइम बेसिकली होते क्या हैं ये मैं बहुत पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। एंजाइम हमारे प्रोटीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। जैसे नाखून, नाखून जो होता है हमारा, हमारा जो बाल होता है वो भी एक तरह के प्रोटीन से बना होता है, परंतु वो एंजाइम नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं एंजाइम की, ठीक है, वो सभी के सभी प्रोटीन है। मतलब कि एंजाइम जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोटीन, इसका जो संगठन का मुख्य तत्व जो है वो हमारा जो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें मुख में पाचन हो रहा है तो तीन प्रकार के यहाँ पर एंजाइम है, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। तो यहाँ पर देखेंगे टाइलिन, यहाँ पर टाइलिन और माल्टेज महत्वपूर्ण है। टाइलिन का जो पाचन, टाइलिन करता क्या है, टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन किसका पाचन कर रहा है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का पाचन करता है। उन पोषक तत्वों के नाम क्या हैं जिनका यह पाचन कर रहा है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो टाइलिन पाचन कर रहा है, क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है मंड को शर्करा में बदल रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मंड को शर्करा में बदलेगा, तो मंड यानी स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है, अब यहाँ पर हम समझेंगे। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर टाइलिन नाम है, टफ नाम है, लेकिन परीक्षा में आ रहा है तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, जो नए बच्चे उनके लिए, जो पुराने बच्चे उनके तो रिविज़न है ये, ठीक है। तो टाइलिन जो है एंजाइम है, और एंजाइम मैंने बता दिया क्या करता है, कैटलिस्ट होता है, एक तरह का कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन है यहाँ पर एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइलिन मंड को शर्करा, मंड क्या है, स्टार्च, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में स्टार्च बोलते हैं इसको, मंड हम लोग अक्सर व्यवहारिक भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको बोलने में, ये थोड़ा हमको टफ लगेगा, तो स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च मंड को इसके इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो मंड को शर्करा, मतलब शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मंड भी होता है, स्टार्च भी होता है, लेकिन तो ये क्या दोनों कार्बोहाइड्रेट टू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन कर रहा है तो क्या फ़ायदा, लेकिन नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्च जो होता है एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रकार है, ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा, और मैंने कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया तो आपको तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बताया है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक जो प्रकार है पॉलीसेक्राइड, जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो जल में घुलनशील नहीं होता है और मीठा भी नहीं होता है, वो मीठा मतलब मीठा आपको जब आप उसका स्वाद लेंगे तो आपको मीठापन महसूस नहीं होगा उसमें, ठीक है, जवान पे आपको मीठापन नहीं लगेगा, ठीक है।
तो वो क्या होता है, स्टार्च होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसको टूटना, अगर ये टूटेगा तो किस में बदल सकता है, तो वो क्या डाइसेक्राइड में बदल सकता है या पॉलीसेक्राइड या मोनोसेक्राइड में बदल सकता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड किस में ब्रेक हो सकता है, या तो डाइसेक्राइड में बदल जाएगा और या तो वो मोनोसेक्राइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्च बदल रहा है शर्करा, यानी यहाँ पर हम सरल कह रहे हैं मोनोसेक्राइड में बदल जा रहा है यहाँ पर। तो टूटा ना मतलब सरल अवस्था में आया ये। ठीक है, तो सरल अवस्था में जब कुछ चीज़ आ जाती है तो वो और आसानी से उसकी पाचन क्रिया तो बहुत तेज़ी से होने लगेगी। तो ये बताना मेरा उद्देश्य है यहाँ पर। तो टाइलिन क्या कर रहा है, तो यहाँ पर याद रख रहे हैं, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि मुख में पाचन जो स्टार्ट हो रहा है वो किसका पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। ये याद करते चलेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट पाचन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे माल्टेज क्या कर रहा है, माल्टोज और ग्लूकोज बदल रहा है। तो माल्टोज क्या है, ये क्या है, डाइसेक्राइड। क्या है, डाइसेक्राइड, यानी सेकेंड टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, उसको ग्लूकोज में बदल दे रहा है। फिर क्या है, लाइसोजाइम, ये थोड़ा अलग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एक एंजाइम जिसके अंदर जब बैक्टीरिया उसके संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, घुल जाएगी। जब उसमें घुल जाएगी तो बैक्टीरिया अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ मेरा बताना उद्देश्य था। तो लाइसोजाइम तीन प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे एंजाइम है, और तीनों का नाम याद देखिएगा, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या कह रहा है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग होता है हमारे मुख के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट अमाशय में। तो अमाशय में पाचन क्रिया होने जा रही है। ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, या देखेंगे ग्रास नली में भोजन क्या होता है, उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे श्लेष्म कहते हैं, और जो क्या करता है, भोजन को हमारे अमाशय में ले जाने का काम करता है, मतलब उसको खिसकाने में आसानी से खिसक के अमाशय में पहुंच जाए, उसके लिए वो होता है इम्पोर्टेंट। बाकी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है ग्रास नली में। फिर पाचन क्रिया स्टार्ट होती है अमाशय में। तो अमाशय में यहाँ इम्पोर्टेंट देखेंगे, एक होती है ग्रंथि जिसका नाम होता है पाइलोरिक ग्रंथि। ये अक्सर वनडे एग्ज़ाम के, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह मैं बता भी दे रहा हूँ, पाइलोरिक ग्रंथियाँ हैं। तो पाइलोरिक ग्रंथि जो है, यहाँ से निकलता है जठर रस। जठर रस कैसा होता है, ये अम्लीय प्रकार का होता है। कैसा होता है, अम्लीय, याद रखेंगे, कैसा होता है, अम्लीय प्रकार का। और ये होता है हल्के पीले रंग का होता है। इसका कलर क्या है, पीले रंग का। जठर रस पूछ लिया कि जठर रस का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय के रूप में देखा है, पीएच मान के रूप में पूछा जाए तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब है कि इसका पीएच का मान 7 से क्या हो, नीचे हो। जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, ये भी याद करना जरूरी है। तो अम्लीय है। जठर रस से दो एंजाइम निकल रहे हैं, हम सभी एंजाइम ही बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग को। ठीक है, जठर रस से दो एंजाइम निकल रहे, एक निकल रहा है पेप्सिन, एक निकल रहा है रेनिन निकल रहा है। दो नाम है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन, जैसा कि नाम है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या कर रहा है, केसी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको मैंने वहाँ पर अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। केसिनोजन को हम लोग केसिन प्रोटीन भी बोल देते हैं। केसिनोजन क्या बोल देते हैं, केसिन प्रोटीन। तो रेनिन जो है एंजाइम, वो क्या कर रहा है, केसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा केसिनेट में बदल देता है। तो केसिन का पाचन हो गया। तो क्वेश्चन सिंपली इतना कभी कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा गया, मतलब जैसे कि आप जान रहे हैं कि परीक्षा में विद्यार्थी जो हैं काफ़ी मात्रा में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, और जो बोर्ड होता है, जो परीक्षा कंडक्ट करना है, वो सबको तो ले नहीं सकता, तो कुछ लोग को लेगा। तो कुछ लोग को जब लेना है तो परीक्षा को थोड़ा सा अगर टफ करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं, सीटें कम होती जा रही हैं, कैंडिडेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब चूंकि परीक्षा में एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अब आप जब देखते हैं वनडे एग्ज़ाम में लड़के पूरे के पूरे नंबर ले आते हैं, 200 में 200 नंबर ले आ रहे हैं। अब तो स्केलिंग के सिस्टम में तो 200 के नंबर ऊपर, 200 के ऊपर चले जाते हैं, देख ही रहे हैं। तो चीज़ों को क्या करना है यहाँ पर, अब क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा डीपली भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा डीपली जाएंगे। ठीक है, तो अब तक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि केसिन प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो आपका आंसर होता था रेनिन प्रोटीन, कहाँ पाया जाता है अमाशय में। थोड़ा सा और जाएंगे कि केसिन को केसिनोजन बोला जाता है और कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाता है। थोड़ा सा चीज़ें जो आपके बुक में हो उपलब्ध, कम से कम उस चीज़ को पूरा हम लोग छोड़ते ना चलें, चीज़ों की याद करते चलें यहाँ पर। फिर देखेंगे यहाँ पर एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कहाँ पर, अमाशय में ही पाई जाती है, इसका नाम होता है ऑक्सिंटिक कोशिकाएँ। तो ये भी है, ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, HCl निकलता है। और ये HCl कैसा है,
अम्लीय प्रकृति का, ये भी अम्लीय नेचर का है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो HCl भी हमारा अम्लीय है, जठर रस भी हमारा अम्लीय है। तो पूरा का पूरा भोजन जो यहाँ पर आया है शिफ्ट होकर मुख से हमारे, वो पूरा का पूरा भोजन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। मतलब कि आमाशय में जो भोजन है वो उसका नेचर कैसा रहेगा, वो अम्लीय रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आमाशय में ही एक है गैस्ट्रिक लाइपेज है, तो एक लाइपेज मतलब इसको लाइपेज के नाम से अक्सर परीक्षा प्रश्न जब आता है, लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं लिखते, लाइपेज लिखते हैं, इसको ऐसा करें। तो लाइपेज क्या कर रहा है, वसा का अपघटन कर रहा है, मतलब वसा का पाचन कर रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब परीक्षा में क्या है, अब आप जब ध्यान देंगे जो पूरा चीज़ें जो मैंने बताई आपको, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रोटीन का पाचन हम करा दिए। क्रेनिन भी क्या कर रहा है, प्रोटीन का ही पाचन कर रहा है, केसिन प्रोटीन का पाचन कर रहा है, दूध में जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन कर रहा है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, आपको यहाँ पर पता चलेगा दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, पाचन कर रहा है। लाइपेज क्या है, लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन कर रहा है, लेकिन वसा का ही पाचन कर रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपने जानी कि जब हम आमाशय में भोजन आता है और भोजन में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, सभी का पाचन करना है, तो उन पोषक तत्वों में किसका किसका पाचन कर दिया इसने, तो किसका पाचन कर दिया, एक वसा का पाचन कर दिया और एक प्रोटीन का पाचन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी ऐसा एंजाइम का जिक्र मैंने नहीं किया है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा हो, कहीं जिक्र किया नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आमाशय के अंदर जो भी हमारे पास एंजाइम हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं कर रहे हैं, पाचन करके सिर्फ किस कर रहे हैं, वसा और प्रोटीन का। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसका पाचन नहीं करता या किसका पाचन करता है, इस तरह से प्रश्न आप यहाँ पर एलिमिनेट कर लेंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देते हैं ग्रहणीय पाचन, ड्यूडेनम बोलते हैं, क्योंकि आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाना है, ड्यूडेनम में जाना है। अब ड्यूडेनम में जब भोजन पहुँचता है तो ड्यूडेनम के अंदर दो रस आते हैं, ठीक है, वो अपने साथ एंजाइम लेके आते हैं। एक होता है पित्तरस, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। एक होता है अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से निकल होता है, अग्नाशय से कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से, ठीक है, पत्ती के शेप का होता है वो। तो सब अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, सबसे पहले कौन आता है, क्या पित्तरस अग्ना, क्या पित्तरस पहले आता है या अग्नाशय रस आता है, या अग्नाशय पहले आता है कि पित्तरस आता है, कि दोनों साथ में ही आ जाते हैं, ऐसा सिस्टम है हमारे पेट के अंदर। तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि सबसे पहले पित्तरस हमारे भोजन में आके मिलता है, उसके बाद अग्नाशय रस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखना है, हमने लिखा है पित्तरस क्षारीय, मतलब कि पित्तरस के नेचर कैसा होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका मतलब भोजन जो अम्लीय था अब तक आमाशय के अंदर, वो ड्यूडेनम में पहुँचे कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। और अग्नाशय रस, अब अग्नाशय रस के बारे में अभी देखते हैं, जो पित्तरस जो था भैया आ कहाँ से रहा है, तो पित्तरस हमारा आ रहा है यकृत से, ठीक है, पित्ताशय से, यकृत के पित्ताशय से, पित्ताशय के अंदर बनता है और वहाँ से पित्तरस निकल के कहाँ पहुँच जाता है, ग्रहणी के अंदर, जो किस चीज़ का पाचन करता है, भोजन के किस हिस्से का पाचन करेगा, किस पोषक तत्व का पाचन करेगा, तो आपका आंसर होगा वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को बस ये अम्ल वगैरह में बदल देता है, ठीक है, मतलब वसा का पाचन करता है। तो इससे हम जान गए कि अगर पंचम प्रश्न आ गया कि वसा का पाचन, पित्तरस क्या किस पोषक तत्व का पाचन करता है हमारे भोजन का, जो कि ग्रहणी में उपस्थित है, तो आपका आंसर होगा वसा का पाचन करता है। अब हम आ गए अग्नाशय, इसे अग्नाशय रस बोलते हैं, है ना। अग्नाशय रस को बोला जाता है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखेंगे, अग्नाशय रस और जठर रस में एक परीक्षा का प्रश्न आता है कि पूर्ण पाचक रस क्या होता है, तो पूर्ण पाचक रस क्या होता है, अग्नाशय रस होता है। क्यों होता है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अग्नाशय रस जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें एंजाइम देखते हैं, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है, दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन दोनों हैं, नाम थोड़ा बदल गया, ट्रिप्सिन एक हो गया काइमोट्रिप्सिन। अच्छा काइमोट्रिप्सिन बोल रहे हैं, काइमो मतलब काइम, काइमो मतलब काइम, जब भोजन जब लुगदी के रूप में शेप में आ जाता है, जब वो ग्रहणी में पहुंचता है तो उसको काइम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वहीं से नाम आ गया काइमोट्रिप्सिन। तो ये क्या कर रहा है एंजाइम, प्रोटीन का पाचन कर रहा है, प्रोटीन को बदल दे रहा है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल बहुत छोटा मतलब यूनिट होती है प्रोटीन की, तो ये कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरा एंजाइम देखें, उसका नाम है एमिलोप्सिन, एमिलोप्सिन ये क्या कर रहा है, ये मंड को माल्टोज बदल दे रहा है। देखिए आया, आया कि नहीं आया, मंड मतलब कि स्टार्च, मतलब पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड बदल रहा है, माल्टोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, डाइसेक्राइड, तो उसमें बदल दिया इसने। अब नेक्स्ट पार्ट जो है,
स्टीएफसिन देखे एंजाइम, ये क्या कर रहा है, ये वसा को वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल दे रहा है, मतलब कि वसा का पाचन कर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब हमने अमाशय में पढ़ा तो हम देखे थे कि वसा का पाचन कर रहा है, प्रोटीन का पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम अग्नाशय रस में आते हैं वैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। एमिलोप्सिन देखिए मंड का माल्टोज में बदल रहा, यानी शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब यहाँ पर देखा स्टीएफसिन जो कि वसा का पाचन कर रहा है, जो वसा का पाचन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटीन का भी पाचन हो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जा रहा है, वसा का भी पाचन हो जा रहा है, मतलब कि तीनों का पाचन हो जा रहा है। यानी कि तीन मुख्य पोषक तत्वों का पाचन तो हमारा अग्नाशय रस ही कर दे रहा है, मतलब मतलब कि जो कि हमारा जो कि आया हुआ ग्रहणी के अंदर ही, ठीक है, पित्त रस भी आ रहा है, ये भी वसा का पाचन कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा रस हो गया जो हमारे मैक्सिमम पोषक तत्वों का पाचन कर दे रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। ठीक है, बाकी ये तो कोई एक एक छोड़ दे रहे हैं, ऊपर तो देखिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन हो रहा था सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, अब भोजन कहाँ गया, शुद्रांत में, छोटी आंत, ग्रहणी से कहाँ चला जाएगा भोजन, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में जाएंगे तो इसको भी ढेर सारे क्या मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे, और ये भी अधिकतम चीज़ों करके अधिकतम पोषक तत्वों का पाचन कर देता है। जैसे एरेप्सिन, एरेप्सिन की हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल दे रहा है। अब देखिए अमीनो अम्ल बदल दे रहा है तो प्रोटीन का पाचन हो गया। आर्जिनेस क्या कर रहा है, आर्जिनिन को अमीनो, आर्जिनिन क्या होता है, एक प्रोटीन का प्रकार है, आर्जिनिन क्या है, एक प्रोटीन का प्रकार है जो आर्जिन को अमीनो अम्ल में बदल दे रहा है, फिर अमीनो अम्ल क्या यूरिया में बदल जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए आपका चीज़ें हो जा रही हैं। माल्टेज क्या कर रहा है, माल्टोज और ग्लूकोज, मतलब माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड तोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जा रहा है। फिर दे रहे हैं सुक्रेज क्या कर रहा है, सुक्रोज का फ्रुक्टोज बदल दे रहा है, ये भी क्या कर रहा है, डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड बदल दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। अब देखिए प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। फिर देखिए लैक्टेज क्या कर रहा है, दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज, मतलब दुग्ध शर्करा को क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, तो लैक्टोज का पाचन किस में कर दे रहा है, ग्लूकोज में कर दे रहा है, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। फिर दे रहे हैं लाइपेज, अब लगे लाइपेज आ गया, लाइपेज क्या कर रहा है, वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, छोटी आंत में भी क्या होता है, मैं तीनों पोषक तत्व यानी कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जा रहा है, बस सिंपल। तो ये भी अधिकतम भोजनों का पाचन करता है, लेकिन चूंकि पहले इसको हम बोल देते पूर्ण पाचक रस इसी को। अब यहाँ पर आते हैं सीकम की बात करते हैं, अब भोजन कहाँ जाएगा, सीकम। सीकम एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में कनेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, सेलुलोज का पाचन हमने लिख रखा है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है लिखना था हमको। ठीक है, तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, तरह का कार्बोहाइड्रेट है, नहीं पाचन हो रहा है, मतलब कि जो गाय भैंस का जो चारा खाती हैं उनका जो सीकम होता है, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो उनका सीकम हो रहा है, सीकम होता है वो जो चारा खाती है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्या सेलुलोज ही होता है। क्या होता है, पेड़ पौधे तो होते हैं, घास पत्तियाँ तो होती हैं, उसमें क्या होता है, सेलुलोज जो होता है उसका सेलवाल क्या कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है। सेलोज क्या होता है, सेलोज को पाचन कर लेते हैं वो, उनमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उनका पाचन कर देते हैं, लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मानव क्या है, वो सेलोज का पाचन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि सेलोज का पाचन हमारे सीकम में होता है तो नहीं होता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जो कि पशुओं में पाया जाता है वो मानव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिंदु से सातवां बिंदु है, बड़ी आंत में पाचन। अब बड़ी आंत में पाचन करें तो बड़ी आंत में विशेष प्रकार के जो मैंने बताया, यानी प्रोटीन बताया मैंने, वसा बताया, कार्बोहाइड्रेट, इन सबका पाचन नहीं होता, मतलब कि किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता। अवशोषण किसका होता है, लवण यानी मिनरल्स का होता है, और जल का अवशोषण होता है, तो इसको पाचन के अंदर नहीं रखेंगे। तो हम देखते हैं कि पाचन की जो प्रक्रिया हो रही है वो सिर्फ क्या, शुद्रांत तक हो रही है, यानी छोटी आंत तक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैंने आपको बताया भी चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। कहाँ होता है पाचन, वसा और प्रोटीन का तो पाचन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट बिंदु में, वसा और प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, तो देखते हैं कहाँ, इससे पहले तो कार्बोहाइड्रेट ही तो हो रहा था पाचन, उसके बाद फिर दोबारा जब नीचे आए नेक्स्ट बिंदु पे अमाशय में पाचन, तो वसा प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हुआ, तो वसा प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो रहा है, अमाशय से शुरू हो रहा है।
ठीक है। तो पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है? अमाशय में, तो नहीं हो रहा है। पाचन किसका हो रहा है? वसा प्रोटीन का। शुरू कहाँ से हो रहा है परीक्षा में प्रश्न आ गया, तो कहाँ से हो रहा है? अमाशय से हो रहा है। पूर्ण पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं अग्नाशय रस कहते हैं। कहाँ भोजन अम्लीय होता है, कहाँ अम्लीय भोजन क्षारीय होता है? अम्लीय भोजन हो जाता है हमारा अमाशय में, क्षारीय भोजन हमारा होता है ग्रहणी में, क्षारीय बना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आता है। और नाम जरूर याद रखिएगा कि रेप्सिन क्या करता है, अजिनेस क्या करता है, माल्टोज क्या करता है, सुक्रेज क्या करता है, लैक्टेज लाइपेज क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, एलेप्सिन क्या कर रहा है, स्टेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन रेनिन क्या कर रहा है, और लाइपेज क्या कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, उम्मीद करता हूँ मैंने मेहनत से आप लोग को बताया भी, आप इसे याद भी कर लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे और रिविज़न भी करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।